नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस रतन में। नमस्कार दोस्तों, बेहतरीन शेयर्स की श्रृंखला में आज मैं फिर आपके लिए आपके साथ में एक बहुत ही बेहतरीन शेयर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस शेयर से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है इसको और हर जगह यूज आ रहा है। आज अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें या फिर घरों का जो सोलर ऊर्जा वाला सेक्टर देखें तो उस सेक्टर में ये शेयर बहुत अच्छा, इस शेयर का, इस कंपनी का सामान बहुत यूज लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये शेयर है, इसका नाम है एक्साइड बैटरीज। अगर मैं इसका एक दिन का चार्ट पैटर्न देखता हूँ दोस्तों, तो आप ये 155 से लेकर 157 रुपये के बीच में रहा। इसका मतलब ये है कि ये कम वोलेटाइल हुआ है। पाँच दिन का अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, देखो आप ये, लेकिन अगर मैं पाँच दिन के हिसाब से अगर आपको देखता हूँ तो आप लोगों ने 2% इससे ज़्यादा के रिटर्न नहीं है पाँच दिन के चार्ट में भी। अगर मैं एक मंथ का चार्ट देखता हूँ तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है और डाउन ट्रेंड में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो ये डाउन ट्रेंड में 10.74% का रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, 10.74% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं छः महीने की बात करता हूँ तो छः महीने में भी आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस टाइम, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कोई भी शेयर अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छे शेयर को अच्छी कीमत पे लेना, अच्छे टाइम में लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इस जगह पर किसी इस शेयर को लिया होगा और अगर उसने इस शेयर को इस जगह बेचा होगा तो दोस्तों देखो आप, 26% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं, 27% के रिटर्न मिल रहे हैं। अगर एकदम एक्यूरेट देखा जाए तो दोस्तों 31% के रिटर्न आपको केवल और केवल 3 महीने में मिल चुके हैं। दोस्तों 31% का रिटर्न मिलना बहुत 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 बड़ी बात है, वो भी 3 महीने के अंदर। अब दोस्तों जैसे ये शेयर की बात करता हूँ कि मैं, ये शेयर अभी कंसोलिडेट फेज पे चल रहा है। ये देखो अगर एक दिन का चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो जहाँ स्टार्ट हुआ, जहाँ ओपन हुआ, वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इसको, इस शेयर, इसको, इस कंडीशन को कंसोलिडेट अवस्था कहते हैं। अगर मैं ईयर का चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ भी देखिए अगर आप, तो यहाँ भी अगर ये इससे इसका देखा जाए तो वही 30% का रिटर्न आपको दिख रहा है। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ तो दोस्तों ये देखिए डाउन ट्रेंड और ये यहाँ देखो, तो ये भी 230% का है। मतलब अब ये शेयर 30% पहले गिरता है और फिर 30% उठता है। दोस्तों फंडामेंटल जो शेयर है उस शेयर के अंदर हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करने का मतलब ये है कि अगर हमारे को शेयर कम कीमत पे मिल रहा है तो हम उसमें और शेयर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी की जो कंडीशन चल रही है वो कंडीशन ऐसी है इस शेयर की कि आप इस कंडीशन पे, ये कंसोलिडेट फेस कर रहा है कि अगर 2020 के जब 2020 का जब जून क्वार्टर आया था उस टाइम से इसने, इस शेयर ने 27 मार्च 2020 को लो बनाया, उसके बाद का जो फेस है वो अभी भी यही फेस चल रहा है। मतलब इतना खासा परफॉर्मेंस इस शेयर ने नहीं दिया है कि जो कि देना चाहिए। आज सारे के सारे जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है सब में बैटरी, आज बैटरी यूज हो रही है। बैटरीज की हमारे पास 2-3 ही कंपनियां दोस्तों, आप देखो मार्केट के अंदर अगर देखते हैं तो अमर राजा बैटरीज हुई, एक्साइड बैटरी हुई, और भी मतलब 2-3 ही कंपनियां, ज़्यादा कंपनियां नहीं है बैटरीज के अंदर। लेकिन फिर भी दोस्तों ये शेयर अभी कंसोलिडेट अवस्था में है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो ये देखो दोस्तों, 2000 जब से स्टार्टिंग हुआ, सिंस इंसेप्शन से इसने हमारे पास में 1429% के रिटर्न दिए हैं, जिसके अंदर साल में मान सकता हूँ कि हाँ 20-22 साल हो गए, लेकिन 1429% रिटर्न दिए, जिसमें इस शेयर ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर ये देखो 24 अगस्त 2018 की बात करता हूँ तो 292 रुपये का शेयर था और अभी उसके बाद में ये शेयर गिरा भी है तो वो भी 48% गिरा है, 48 गिरा है। फिर बाद में अगर ये शेयर और देखें अगर उठता कितना है तो वो भी दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, 48 गिर के भी एक, ये देखो दोस्तों अगर मैं इसको, कभी गिरा है कभी उठा है, तो इस प्रकार का है। अब ये अच्छा शेयर है कि बुरा शेयर है ये दोस्तों, इसके मैंने आपको पहले ही बताया, इसके फाइनेंशियल बताते हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में स्टडी करता हूँ इसके, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 13.5% से ग्रो किया उसने, जो नेट इनकम है वो 516% बढ़ी है। नेट इनकम दोस्तों ध्यान दीजिए इस चीज़ को, नेट इनकम इसकी 516% बढ़ी है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 441%। हाँ इसका ऑपरेटिंग इनकम कम है, ऑपरेटिंग इनकम कम होने का मतलब ये दोस्तों इसने अपना जो मूल बिजनेस है उसको न करके कहीं और इसने पैसा लगाया या फिर कहीं और से इसको इनकम आई हो। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दोस्तों उसका भी, रेवेन्यू भी इसने 64% से बढ़ाया है। और अगर मैं सितंबर 2021 के क्वार्टर को देखता हूं तो इसकी जो, अगर मैं इनकम देखता हूं ऑपरेटिंग इनकम, तो 970 करोड़ है आप देखिए,
और अभी इसकी जो इनकम आई है जून के अंदर 265 करोड़ है। तो आप देखिए, इस जबकि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इतना अच्छा काम नहीं चलता है, तो इस जो सेकंड क्वार्टर है, इस सेकंड क्वार्टर में शायद हो सकता है इस शेयर ने बहुत अच्छी पकड़ हासिल कर ली हो, क्योंकि अभी मार्केट इसके कंसोलिडेट लेवल को स्टडी कर रहा है कि नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए। अगर इस शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर, तो डेफिनेटली दोस्तों रिजल्ट आने से पहले शेयर भागेगा और आराम से आपको 10-20% रिटर्न दे कर जाएगा। और अगर मान लीजिए इसने इतना परफॉर्मेंस नहीं भी दिखाया है, तो भी भ्रम के अंदर एक बार भाग सकता है दोस्तों ये चीज। तो दोस्तों ये शेयर अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और ट्रेडिंग के हिसाब से भी अच्छा है। दोस्तों अगर आप मेरा ऐसे ही चैनल लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो दोस्तों मैं आपको शेयर मार्केट की ऐसी बेहतरीन टिप्स दूंगा जिन टिप्स के अंदर आप कभी भी आप डाउन नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।